गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ड्यूज। कैसे हैं आप सब गाइस? ये देखिए, ये हमारी एलमेंडा की वाइन है, येलो एलमेंडा वाइन है ये गाइस, जिसके फ्लावर बहुत गुच्छों में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि कितना फ्लावर देती है एलमेंडा की वाइन। तो गाइस, आजकल तो बहुत सारी वैरायटी आ चुकी हैं एलमेंडा में, नए नए अलग अलग कलर आ चुके हैं, बहुत ही सुंदर लगती है ये वाइन। और गाइस, ये मैंने 2 महीने पहले ही लगाई थी वाइन। 2 महीने पहले मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी, बिल्कुल छोटा सा ये प्लांट था। जो इसकी वीडियो है गाइस, वो चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, आप चेक कर लीजिएगा। और गाइस, एलमेंडा की वाइन पोलिनेटर को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती है, बहुत सारी चिड़ियों को अट्रैक्ट करती है। और जब भी मैं गाइस देखती हूँ इसके फ्लावर्स को, तो मुझे कोई ना कोई पोलिनेटर मिल ही जाते हैं हमेशा। इस पे जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी भिनभिनाती रहती हैं, और आप देख सकते हैं अभी भी। और गाइस, आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हुई है। और मात्र 2 महीने में गाइस इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, 15 से 16-17 फीट इसकी जो हाइट है वो हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, यानी कि पूरी छत को ये कवर करने लगी है, पूरी ऊंचाई तक इसकी हाइट बढ़ चुकी है। और गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं, उन्हीं की वजह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब आप सोचेंगे कि 2 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो आप वीडियो ज़रूर चेक करिएगा गाइस, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि 2 महीने में भी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, अगर आप प्रॉपर उसकी केयर करते हैं तो। और हम हर 15 दिन में गाइस इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, कोई ना कोई, जैसे कि खाद हो गई, कोई भी फर्टिलाइज़र हम इसमें ऐड करते रहते हैं। जो फर्टिलाइज़र हम ज़्यादातर एलमेंडा की वाइन में डालते हैं, वो मैं आपसे ज़रूर अभी शेयर करूँगी गाइस। और गाइस, अगर आपने अपने गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स लगा रखी है, तो एलमेंडा की वाइन ज़रूर लगाइए, क्योंकि फिर जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उनको पॉलिनेट होने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतने सारे पॉलिनेटर अट्रैक्ट हो जाते हैं एलमेंडा की वाइन पे। चलिए गाइस, अब दिखाते हैं आपको कि मैं इसमें कौन कौन सी खाद और कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादातर ऐड करती हूँ। ये देखिए गाइस, जैसे कि मैं इसमें थोड़ा बहुत किचन वेस्ट डालती रहती हूँ, ये वही है, और कितनी ही आसानी से डिकम्पोज हो जाता है देखिए। और इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है गाइस, बिल्कुल ही अच्छी मिट्टी बनाई हुई है हमने, यही प्लांट के लिए अच्छी होती है। इसी तरीके से गुड़ाई करके गाइस, आपने हर 15 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है। ये देखिए कितनी अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनी हुई है गाइस किचन वेस्ट से। ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हर 15 दिन में कोई फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हो तो बस 1-2 मुट्ठी ही काफ़ी है। ये देखिए, इसी से ही आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जैसे आप ये किचन वेस्ट देख रहे हैं, ये आपने थोड़ा बहुत आप इसमें ये ऐड करते रहिए। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें पानी हम बाद में डालेंगे। और दूसरा है गाइस, ये देखिए
कि जितना भी हमारा किचन वेस्ट होता है गाइस, इस तरीके से आप उसको पानी में डाल के रख दीजिए कुछ दिन के लिए, वो अपने आप ही डिकम्पोज होने लग जाएगा। और इस तरीके से मिक्स करते रहिए इसको। ये देखिए, ये कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ हमारे किचन से जो सब्जियां वगैरह निकली हैं उन्हीं का ही ये मिक्सचर है। जब आप इस तरीके से इसको हर रोज मिक्स करते रहेंगे तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो आपने क्या करना है गाइस, हर 15 दिन में, जैसे कि आप एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल दी, एक बार आपने ये डाल दिया, पानी में मिला के इसको डाल देना है। ये सभी तरीके के प्लांट में आप ऐड कर सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका, ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है, फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी करता है और फूल भी बहुत अच्छे आते हैं गाइस। बिल्कुल ही प्योर ऑर्गेनिक है, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नहीं ला सकते आप कोई खाद वगैरह या कुछ भी, तो आप इस तरीके से ये यूज़ करके भी अपने सभी प्लांट को बहुत ही अच्छा घना कर सकते हो। बस जो आपको मिट्टी में ऐड करना है थोड़ा बहुत, वो मिट्टी में ही ऐड कर लीजिए, बाकी आप ये डालते रहेंगे तो भी प्लांट को कुछ नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये भी। तो गाइज़ आप इस तरीके से ये ऐड करते रहिए, बस पानी में मिला के इसको ऐड करना है, इसको रख दीजिए जब तक ये डिकम्पोज नहीं होता, 10-15 दिन तक रख दीजिए, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो इसको 3 महीने के लिए भी रख सकते हैं गुड़ मिलाकर, तब भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा गाइज। अगर आप रूटीन ऐसे ही डालना चाहते हो 4-5 दिन में या हफ्ते में एक बार, तो भी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता इसको, हम ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं, हर तरीके से हम यूज़ करते हैं गाइस अपने प्लांट्स में। और आप देख सकते हैं गाइस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है, आपने हमारा पूरा गार्डन देखा हुआ है। चलिए गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।